आज हम चना चिली बनाने जा रहे हैं। चना को उबाल लिया है, अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च डाल के इसको कोटिंग करेंगे। बस चने को नमक डाल के एक सीटी लगाया था। अब इसी तरह से गरम गरम चने पे हम इसको कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से। चना मेरा जो है अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। एक एक छोटा सा प्याज काट लिया है, और एक पीला शिमला मिर्च है, एक लाल शिमला मिर्च है, ये हरा धनिया और थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन है, एक ग्रीन चिली सॉस है, एक टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस एक ही में हमने डाल दिया है दो दो चम्मच करके। और ये तीन हरी मिर्च है जो लंबा लंबाई में काट लिया है, और दो तीन कली जो है लहसुन काट लिया, और एक पिंच अदरक है। ये हमने कॉर्न स्टार्च को पानी में एक चम्मच डाल के घोल बना लिया। अब इसी में सारी चीज को मिला लेंगे। रेड ये हरी चिली सॉस है, इसी में मिला है टोमेटो पिज़्ज़ा और रेड चिली सॉस, सब इसी में मिला लेते हैं। एक चम्मच सोया सॉस, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस चने को थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई को साफ कर लिया, उसी कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो, अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे जो बारीक कट कर लिया था। बस हमको ज्यादा पकाना नहीं है, इसका कच्चापन बस तेल निकालना है। तेज आंच पे लहसुन अदरक और मिर्चा, इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। शिमला मिर्च कितना मजेदार सब्जियां लग रही है, कलरफुल मस्त लग रहा है, मजा आ गया। थोड़ी सी नमक, एक मिनट तक सब्जी को भून लिया है इन्होंने अच्छी तरह से। अब हम इसको जो तैयार करके रखे अब इसको डालेंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये मेरा अच्छे से तैयार हो गया, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चने मिलाऊंगी। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स,
थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ऊपर से हरी धनिया, स्प्रिंग ओनियन, ये मेरा तैयार होगा। अब गैस को बंद कर देते हैं।